नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानको स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जे शक्तिशाली चमत्कार मंत्रटी को शेयर करूची, एको आपण माने रात्र रो एक निर्दिष्ट समय रे एवं एक निर्दिष्ट विधि मते केवल 21 बार पठन मात्र के ही अदृश्य शक्ति माने आपण को धन प्रदान करबा दिकरे अशेष सहायक होइतांती। एहा को बहु प्राचीन गुप्त मंत्र जाकी बहु बार परीक्षित। यही अदृश्य शक्ति माने आपण को स्वप्न माध्यम रे केउ स्थान रे गुप्त धन अछि तार संधान देइथांती। रास्ता घाटो मानकरे पतित धन रो मध्य संधान देइथांती। एति सह लॉटरी सट्टा भली अर्थ लाभकारी संस्था मानकरे आपण किभली विजय प्राप्त करिकरि धन प्राप्त करि परिबे से दिगर मध्य संधान देइथांती। एति सह जागृत अवस्था रे आपण को सुधन मार्ग रे परिचालित करथांती। आपणकर वाणिज्य व्यवसाय बाबत हो चक्री कर्मनियुक्ति बाबत हो आपण को सठिक रास्ता रे मार्ग देखेथांती। तबे एही प्राचीन गुप्त मंत्र टिकु केवल निर्दिष्ट विधि मते जाकि वीडियो भितरे मु आपन मानकर कल्याण अर्थे शेयर करूची, सेही विधि मते ही पालन कले चमत्कार को लक्ष्य करिवे। एही मंत्र टिकु आपन मानकर सह शेयर करिया पूर्वरु क्षुद्र निवेदन, जदि आपन आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन नु क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करे एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिनु, तो जेबल के हम जतल मध्य आपन मन को सेवा रे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाकर पहुंचिवो एवं से सब को आपन मन सर्वद देखि कि किछ ज्ञान आरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सु नजर पकबाय शक्तिशाली चमत्कारी गुप्त मंत्र जहार पठन मात्र के ही अदृश्य शक्ति मानकर धन प्राप्त दिगरे अनेक सहाय्य मिलिथाय। एथि सह आपन को समस्त अवदमित आशा इच्छा स्वप्न कामना जाकि वर्ष वर्ष धरि आपन मन संगे रही आसुअछि आदम परि पूर्ण होई परु नाही ता मध्य परिपूर्ण होइथाय। तबे जेहा कि मु आपनको केतो गोटी वीडियो माध्यम रे शेयर करिछि, मंत्र शक्ति असीमित अटे, केवल याकु सठिक व्यवहार करथिबा व्यक्ति ही जानि पारे मंत्र शक्तिर गभीरता केते। आपण माने जेतो गुडी मंत्र मध्य देखंतु ता वीडियो माध्यम रे हो किंबा पुस्तक माध्यम रे हो ता सब लॉक्ड अवस्था रे थाय। जेतो याकु सठिक व्यवहार करा जाय, विधि मते उच्चैत करा जाय, ए सब अनलॉक होइथांती एवं एमानकर शक्ति को प्रदर्शन करिथांती। जे ओलि भाबरे तरकारी खाद्य पदार्थ को आपण चाखिबा न पर्यंत यहार स्वाद विषय रे अनभिज्ञ थांती। कोनसी व्यक्ति विशेष संसंगरे न मिसिबा पर्यंत व्यक्ति भलो कि खराब कहिबा आपण पे दुर्ह व्यापार होइथाय। से बोली भाबरे कोनसी मंत्र शक्ति को आपण माने सठिक विधि मते उच्चारण न करिया पर्यंत यहार गभीरता केते ताहा मध्य आपण कहिबा मुश्किल होइथाय। अतबे मंत्र शक्तिर जो महान चमत्कारिता ताकू केवल से ही व्यक्ति माने ही बुझी पारिबे जे माने एही मंत्र शक्तिर सागर भितरे डुबो मारचंती एवं मंत्र शक्ति को आहरण करिकरी तंकर जीवन रे प्रयोग करचंती। तबे ए जो शक्तिशाली चमत्कारी मंत्र जाकि अत्यंत क्षुद्र मात्र एक धाड़ी दुई धाड़ी मध्य रे मंत्रर परिसीमा, याकू आपण माने रात्र रो केवल एक निर्दिष्ट समय अर्थात रात्र 11टा समय रे जेतेबेले आपण माने शयन करिया पई जाउचंती एही निर्दिष्ट विधि मते केवल 21 बार दैनिक जपन करंतु एवं एहार चमत्कार को आपण सेही दिन ठारु ही लक्ष्य करिवे जेउन दिन ठारु आपण माने एहार जपन क्रिया को चालू रखिबे। तबे आपण माने जतबेले रात्र रे शयन करिया पई जाउचंती तार ठीक पूर्वरु रात्र 11टा समय रे आपण गोड़ हात मुह धोईकरी उत्तर किंबा पूर्व दिखक मुख करके एक लाल आसन पकईकरी बसंतु। आपण सामने माता दुर्गा फटोमूर्ति रखंतु, जेहेतु एही मंत्रर अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा पद्मावती। आपण माता दुर्गा मूर्ति हो किंबा फटोमूर्ति हो सामने रखंतु, एक घी दीप को प्रज्वलन करंतु एवं एही मंत्रटी को आपण माने 21 बार उच्चारित करंतु कौनसी गणन सामग्री सहायतारे अथवा कौनसी रुद्राक्षर माला सहायतारे। एबे रुद्राक्षर मालाटी आपणकर नाम गोत्रे सिद्ध होइतिबा आवश्यक। जदि सिद्ध रुद्राक्षर माला आपण पाखे न थाए तबे जेकोणसी गणन सामग्री मुग बिरी गुआ को व्यवहार करिकरी आपण माने 21 बार मंत्र जपन क्रिया को आरंभ करिपरिबे। तबे आपण माने एहाकु जेकोणसी शनिवार ठारु आरंभ करंतु एवं गणी गणिकरी 21 दिन पर्यंत एहाकु चालू रखंतु। यार प्रभुत लाभ देखि सारला परे जदि आपणको हृदयंगम हुए कि एही महामंत्र सतरे चमत्कार शक्ति अछि तबे एहाकु आपण माने नित्य निजर जीवनचर्य रे शामिल करंतु। प्रत्येक रात्र रे सोइबा पूर्वरु एही महामंत्र टू केवल 21 बार जपन करिकरि एही विधि मते सुअंतु एवं आपण मानक जीवन को धन धान्य रे उन्नति करिबा सह समस्त अवदमित आशा इच्छा स्वप्न कामना को चरितार्थ करंतु। मंत्र टेटी मु आपण मानक सह शेयर करूची। मंत्र टू को आपण माने कागज कलम टिपिन प्रथमे एको मुखस्थ करि नबा दरकार अछि, केवल कागज कलम देखिकि त पढिले हबो नै, जेपर्यंत आपण माने एको मुखस्थ करिकरि स्मृति पटल रे साहित्य न रखिछंती से पर्यंत यहार शक्ति आपण पाखरे परिप्रकाश हबो नै।
ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଧାଡ଼ି କିମ୍ବା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ନିଜର ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ରାତ୍ର 11 ସମୟରେ ଏହାର ଜପନ କ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଜପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଜପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିନ୍ରେ ସାମିଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଏହାକୁ ଜପନ କରିକି ଶୟନ କରିବେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅତେବ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ମହା ଧନଧାନ୍ୟର ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ରାଟ ପାଲଟନ୍ତୁ। ତେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହିବ। ଓଂ ହ୍ରିଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କଥୟ କଥୟ ହ୍ରିଂ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଓଂ ହ୍ରିଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କଥୟ କଥୟ ହ୍ରିଂ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉପଯୋଗ କରିକି ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ମହା ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିକି ମାତା ଦୁର୍ଗା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ର ଆଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ମା କୈଶ୍ଚି ଦୁଗ୍ବାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।